ये भाग जो है रसनारी एक पॉइंट वन, देखिए आप पुस्तक की देखेंगे कि रसनारी एक पॉइंट वन में प्रश्न नंबर एक पहला प्रश्न जो आपका है वो है एक चक्र गुण एक गुण तीन उत्पादे पांच उत्पादे नौ उत्पादे तेरह के उत्पादे इस चतुर्भुज के सभी गुण क्या है ध्यान से देखिए सवाल नंबर एक पहला प्रश्न क्या है ध्यान दीजिए पहला प्रश्न है चतुर्भुज के गुण मानते हैं ये आपका चतुर्भुज है चतुर्भुज ए बी सी डी चतुर्भुज ए बी सी डी यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है चतुर्भुज ए बी सी डी यहाँ पे आपको देखना है इनके कोण ए मध्य में इनके अनुपात भी है तीन अनुपात पांच अनुपात नौ अनुपात देखिए आपको ज्ञात करना है जीरो से जीरो कट गया तीन और तीन गुना छह
आपको पूर्ण एका मान चाहिए। तो देखिए पूर्ण एका मान कैसे मिलेगा, आप इसे देखिए यहाँ पे, देखिए यदि पूर्ण एक की बात करते हैं तो पूर्ण एका मान कितना आपने माना है, देखिए x के स्थान पे कितना लेना है 12, और a बराबर कितना हुआ मेरी मल्टीप्लाई करेगा तो 12 यानी 36, और a का मान कितने हो गया 36, एक तो आप करके हो गया। अच्छा अब सवाल है कोण b, तो देखिए कोण b का मान कितना आपने माना है 5, कितना माना 5, और b बराबर कितना हुआ 5 into 12, तो यहाँ पे कोण b बराबर कितने हो जाएंगे 12 × 6 = 60, ये देखिए कोण b भी आ गया। इसके बाद जो है कोण c और कोण d की बारी है, तो कोण c भी देखिए कोण c बराबर कितना आपने माना है 9x, तो यहाँ पे देखिए कोण c बराबर कितना हुआ 9 / 12, यहाँ पे देखिए कोण c बराबर कितना होगा 108। देखिए अब ये कोण c भी निकल गया, अब क्या बचा कोण d, कोण d का मान कैसे निकलेगा, कोण d बराबर कितना है 13, यहाँ पे देखिए 13 है, तो यहाँ पे कोण d बराबर कितना होगा 13 × 12, यहाँ पे 12, तो देखिए 12 × 36 और 12 × 12 कोण डी का मान कितने हो गया 156, तो ये पहला प्रश्न आपका हो जाता है। ये अगला प्रश्न है, यदि एक समांतर चतुर्भुज बराबर हो तो दर्शाइए पर एक मान। देखिए अब ये प्रश्न आपका पूरा हो जाता है, तो आप यहाँ से देखिए और यहाँ आगे क्वेश्चन नंबर आयत आपको सिद्ध करना है कि
bisa mempunyai resiko barang. Jadi bangsa seperti api ini bisa mempunyai barang. Jadi bangsa seperti itu macam ini juga satu pertanyaan ini di terus yang boh apa sedikit yang basic istilah itu video. Apa kita di mana? Kita itu desi apa? Itu sepuluh yang ketik itu sepuluh apa desa desa. Ketik. Yang akhir ini empat. Empat ini apa baru ketik? Ada api ini di A, B, C. Orang itu dikira B, A. Ini titik. Jadi aku malu ke B, C itu ke B, D, D, A. Orang ini dulu dikira B, D. Biasanya yang nanti kita semangat campur di sebelumnya berada di sini. Yang ketika itu syuti. Syuti berada A, B, C. A, B, C, D. A, samantar. A, samantar. Chatur bhujha. A, samantar. Chatur bhujha. Okay. Ye pata hona chahiye. Samantar chatur bhujha hai. To A, iske barabar ho. A, samantar. C. Tatha. A, barabar kya hoga. A, barabar C. और इसी प्रकार का देखना जाए तो BC समांतर AD तथा BC बराबर किसके होगा A ये बातें आपको ध्यान रखनी है अगर ABC के समांतर चतुर्भुज है तो AD समांतर CD होगा तो AD बराबर क्या होगा C तथा BC समांतर AD तो BC बराबर क्या होगा A देख त्रिभुज ABC त्रिभुज A B C त्रिभुज A B C तथा त्रिभुज B A B B A B ध्यान से देखें क्या-क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं पहली बात तो आपको A C बराबर क्या पता है A C बराबर क्या है B आपको से मिला ज्ञान आपको से मिला ज्ञान एक तो ये बता दूसरी बात ए भी दोनों में क्या उपेक्ष ए भी किसके बराबर है ए भी बराबर किसके बी ये क्या है ये उपेक्ष क्या है वो है निश ये आत्मा है वो है निश लास्ट ये बात और आपके सामने आ रही है BC किसके बराबर है AD BC बराबर किसके हो गया AD यह आपको जानकारी है ऐसा आप जानते हैं अब यही आपने भुजा 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 सर्वांगीणता से यहाँ पर लिख सकते हैं भुजा भुजा और भुजा 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 सर्वांगीणता से समांग संपा से भुजा 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 समांग संपा से दोनों त्रिभुज कैसे होंगे समांग संपा एक तो ए बी सी समांग संपा एक तो बी ए बी देखिए आप दोनों त्रिभुज समांग संपा जाते हैं इसका मतलब क्या इनके प्रत्येक कोण क्या होंगे बराबर और ए किसके बराबर हो सकता है कोण बी और बी इसकी बराबर हो सकता है कोण बी या कोण ए बराबर कोण बी तो देखिए कोण ए कोण बी के बराबर है और आपने पढ़ा भी है कि बी सी किसके समांतर है ए बी क्या बी सी किसके समांतर है शुरू की बी सी समांतर ए बी तथा पीरियड रेखा तथा पीरियड रेखा प्रिय रेखा एबी इन्हें जोड़ती है एबी इन्हें जोड़ती है
भाषा लिखिए और तीसरा प्रश्न आप नोट करें। तीसरा प्रश्न है एबीसी एक समद विभाग है। एबीसी एक समद विभाग त्रिभुज है। एक समद विभाग त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, जिसमें AB बराबर AC, जिसमें AB बराबर AC है, AC है, AB बराबर AC है, AB मधिस कोण भी AC, AB बाईस कोण, बी ए सी,
सामने हाजिर कहता है और सीधी समांतर भी हो और सीधी समांतर भी सीधी समांतर भी ये है और इसका ठीक है ब्रेक Yeah.